हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास फोर्थ इंग्लिश ये केंद्रीय विद्यालय एनुअल एग्जाम का पेपर है आपका लास्ट ईयर का और पेपर आपको दिखाना स्पेशली इंग्लिश का बहुत जरूरी है क्योंकि बड़ा ही मिसकनसेप्शन है बच्चों के मन में इंग्लिश के एग्जाम को लेकर जब आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए कहा जाता है तो आप सिर्फ बुक के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको लर्न कर लेते हैं रट लेते हैं और आपको लगता है कि बस इसी से ही आपके एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे जबकि मैं आपको बताऊं कि 80 में से सिर्फ 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में यानी कि सिक्सटी मार्क्स जो है आपके वो स्पेलिंग के होते हैं ग्रामर के होते हैं आपके क्रिएटिव राइटिंग भी होती है उसमें आपकी पैसेज रीडिंग होती है अनसिन पैसेजेस भी आते हैं है ना उनके तो आप प्रिपरेशन करते ही नहीं कभी एनसीन पैसेज आप नहीं पैसेजेस आप नहीं देखते किस तरीके से क्वेश्चन आपको छाटने हैं स्पेलिंग्स आप लर्न नहीं, नहीं करते हैं तो ये मेन रीज़न है कि आपके इंग्लिश में कम मार्क्स रहते हैं पेपर आप देख लीजिए फॉर्मेट समझ लीजिए और प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करिए जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो जो लास्ट में चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिए रहते हैं आप उनको ज़रूर एक बार देख लें उनकी स्पेलिंग जरूर लर्न कर ले क्योंकि एग्जाम में जितने मार्क्स आपके बुक के क्वेश्चन आंसर्स के हैं उतने ही स्पेलिंग के भी हैं जो उसमें कुछ पिक्चर्स दी हुई है उनके बारे में लिखने की प्रैक्टिस करें ताकि क्रिएटिव राइटिंग आपकी अच्छी हो है ना खैर वो मैं अभी पूरा फॉर्मेट आपको बता दूंगी सबसे पहले सिलेबस बता देते हैं आपको तो ये देखिए अक्टूबर टू फेब्ररी का जो सिलेबस है आपका वो एग्जाम में आएगा फाइनल आपके द मिल्क मैन स्काउ हिवाथा स्कॉलर्स मदर टर्म अ वॉटरिंग राइम द गिविंग ट्री बुक्स गोइंग टू बाई अ बुक द नाटी बॉय पिनोकियो दैट्स ऑल तो जब आप इनकी प्रिपरेशन करें जैसा मैंने अभी कहा सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स मत करना इनके डिफिकल्ट वर्ड्स क्रिएटिव राइटिंग ग्रामर जो है चैप्टर के लास्ट में उन सबको भी साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चलना क्योंकि ये देखिए परफॉर्मेंस इंडेक्स किस बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है कॉम्पिटेंसीज जो है इंग्लिश में सबसे पहले आपको दो पैसेजेस आएंगे एक इनमें से सीन होगा और एक अनसीन होगा एक आपकी बुक का होगा जो हम प्रैक्टिस करते हैं हमेशा टेन मार्क्स टेन टेन मार्क्स के तो यही है आपके यानी कि ट्वेंटी मार्क्स तो यही मिल जाएंगे आपको और ये बहुत ईजी होता है आप

उसमें आप सभी कॉम्पिटेंसीज के जो मार्क्स हैं उनको हाफ कर दीजिए फाइव का आपका सीन फाइव सीन पैसेज इसके क्वेश्चन एट मार्क्स मान लीजिए आपके ग्रामर में आप सेवन मान लीजिए क्रिएटिव राइटिंग सेवन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे इस बार ओके बाकी फॉर्मेट वही रहेगा क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको बुक के ही क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे या फिर सारी स्पेलिंग्स ही आएगी सभी चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट होता है पेपर आपका ओके चलिए पेपर का टाइप भी देख लेते हैं सबसे पहले रीडिंग रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन पैसेज पढ़िए और आंसर दीजिए क्वेश्चन के वन्स अपॉन ए टाइम एन ओल्ड कारपेंटर बॉट अ वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड पिनोचियो चैप्टर से है एक बार एक बूढ़ा कारपेंटर होता है जो कि खरीदता है एक बहुत ही अजीब पीस ऑफ वुड लकड़ी का टुकड़ा एज़ ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट जैसे वो अपना प्लेन यूज करता है प्लेन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कारपेंटर्स यूज करते हैं लकड़ी को फ्लैट करने के लिए बिल्कुल प्लेन करने के लिए इसलिए शायद इसका नाम प्लेन रखा हुआ है जैसे वो उसके ऊपर अपना प्लेन यूज़ करता है ही हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस उसको एक छोटी सी हंसने की आवाज़ सुनाई देती है से जो कहती है स्टॉप यू आर टिकलिंग में रुक जाओ तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो द ओल्ड मैन सेड तो वो आदमी कारपेंटर कहता है दिस इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड ये तो बहुत अजीब पीस ऑफ वुड है आई विल मेक इट इंटू अ पपेट मैं तो इसका एक पपेट बनाऊंगा ही मस्ट हैव अ नेम उसका नाम भी होना चाहिए I will call him Pinocchio. मैं उसको Pinocchio बुलाऊंगा. The carpenter set to work. carpenter काम में लग जाता है. As soon as the eyes were made. जैसे ही आंखें बनती है, the carpenter was amazed to see them move. carpenter amazed हो जाता है, हैरान हो जाता है कि आंखें जो है वो मूव कर रही है, इधर-उधर जा रही है. Before the mouth was made. इससे पहले कि मुंह बने, it began to laugh. वो जो पपेट है, वो हंसने लगता है. As the carpenter turned back, जैसे कारपेंटर पीछे मुड़ता है इट पुट आउट इट्स स्ट्रांग वो अपनी जीभ बाहर निकाल लेता है यानी कि बहुत शरारती पपेट है एंड इट्स नोस ग्रू लॉन्गर और जैसे वो जीभ बाहर निकालता है उसकी नाक जो है वो बड़ी हो जाती है ये हमने देखा था कि उसकी नाक जब भी वो कुछ शरारत करता था वो बड़ी होती रहती थी नो सूनर वर इट्स हैंड हैंड्स रेडी इससे पहले कि उसके हाथ रेडी हो दैट इट कारपेंटर की जो विग है नकली की जो है, वो बड़ी हो जाती है, आपका पैसेज है। पहले पैसेज आप अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे वॉट डिड द कारपेंटर बाय कारपेंटर ने क्या खरीदा इसका आंसर आपको स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कारपेंटर बॉट द कारपेंटर बॉट अ वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड यहाँ से ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे ओके नेक्स्ट इज वॉट डिड द कारपेंटर यूज ऑन वुड कारपेंटर ने वुड के ऊपर क्या यूज किया उसने किया प्लेन नेक्स्ट प्लेन को यूज किया वॉट डिड द कारपेंटर हेयर कारपेंटर को क्या सुनाई दिया कारपेंटर को एक लाफिंग वॉइस सुनाई दी तो आप लिखेंगे द कार्पेंटर हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉयस ये सी का आंसर है आपका इस तरीके से आप अपने एग्जाम में भी निशान लगाते रहिए जब आप पैसेज पढ़ते हैं साथ साथ ताकि जब आप लिखें तो जल्दी से आप इसको कर सके फिफ्टीन मिनट्स वैसे भी रीडिंग के लिए आपको मिलती है एग्जाम में नेक्स्ट इज अनदर नेम फॉर क्वीर क्वीर का दूसरा नाम क्या हो सकता है क्वीर को हम कह सकते हैं स्ट्रेंज अलग बाकी से अजीब वॉट डिड द कारपेंटर डिसाइड टू मेक आउट ऑफ द वुड कारपेंटर ने क्या डिसाइड किया कि वो वुड से क्या बनाएगा तो आंसर होगा पपेट आप फुल सेंटेंस में लिखना चाहते तो द कारपेंटर डिसाइडेड टू मेक पपेट आउट ऑफ द वुड नेक्स्ट इज वॉट डिड द आइज डू आइज क्या आंखें क्या करती है उसकी तो दे स्टार्टेड टू मूव वो जो है मूव करने लगती है अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द माउथ डू माउथ क्या करता है इट पुट आउट इट्स टंग वो जो है जीभ मुंह से बाहर निकाल लेता है पुट आउट इट्स टंग अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड द पपेट डू वेन द कारपेंटर टर्न बैक जब कारपेंटर पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो क्या करता है पपेट वेन द कार्पेंटर टर्न बैक इट पुट आउट इट्स टंग ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वही इसका आंसर है इट्स टंग अपनी जीप बाहर निकाल लेता है नेक्स्ट इज वॉट डिड द हैंड्स डू हैंड्स क्या करते हैं दे स्नैच वो छीन लेते हैं द कार्पेंटरपेंटर की विग को विग नेक्स्ट इज वॉट हैपन टू पिनोकियोज नॉन्ग पिनोकियो की ना क्या होती है इट ग्रू लॉन्गर वो लंबी हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके जे इज़ फिनिश्ड टेन क्वेश्चन आपके हो गए सेकेंड पैसेज देखिए क्या कह रहा है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ये अनसीन पैसेज है ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है आपको समझने में वंस अ वेल्दी मैन हैड अ लॉट ऑफ सर्वेंट्स एक बार की बात है एक बहुत वेल्दी अमीर आदमी था जिसके बहुत सारे सर्वेंट्स थे नौकर थे दे अटेंडेड हिम ऑन हिम ड्यूटीफुली वो सभी अपने जो उनकी ड्यूटी थी वो उसी तरीके से उनको अटेंड करते थे बट ही नेवर अप्रिशिएटेड देम लेकिन वो कभी भी उनको अप्रिशिएट नहीं करता था उनकी तारीफ नहीं करता था गुड फॉर नथिंग फेलोज ये जो लोग है ये किसी काम के नहीं है गुड फॉर नथिंग मतलब किसी भी काम का नहीं है किसी भी काम में अच्छे नहीं है ही शाउटेड एंड डिसमिस्ड ऑल ऑफ दम वो उनके ऊपर चिल्लाता है और सभी को डिसमिस कर देता है निकाल देता है देन अ मंकी ट्रेनर सोल्ड अ मंकी टू द रिच मैन उसके बाद एक मंकी ट्रेनर होता है जो कि एक मंकी बेचता है रिच मैन को एंड टोल्ड दैट ही वुड बी अ मोर एफिशियंट एंड लेस एक्सपेंसिव सर्वेंट और वो उसको कहता है कि ये जो मंकी है ये और भी ज़्यादा एफिशिएंट और भी ज्यादा अच्छा और कम खर्चीला लेस एक्सपेंसिव सर्वेंट होगा आपका अब से आपका सर्वेंट यानी कि ये मंकी होगा सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इसलिए उस दिन के बाद द मंकी सर्वड हिज मास्टर मंकी जो है उसके मास्टर को उस वेल्दी मैन को सर्व करता है उसकी सर्विस में यानी कि उसका सर्वेंट बन जाता है ही डिड ऑल हाउस होल्ड वर्क वो सभी घर के काम करता है हाउ लकी आई एम द रिच मैन सेट टू हिमसेल्फ रिच मैन अपने आप से कहता है मैं कितना लकी हूँ खुशकिस्मत हूँ वन डे वेन द मास्टर वॉज अ स्लीप एक दिन जब मास्टर उसका सो रहा था द मंकी वॉज आस्ट टू फैन हिम तो वो मंकी को कहता है कि मुझे हवा कर दो फैन कर दो द फ्लाई बर्ज इन तभी एक फ्लाई आती है एक मक्खी आती है वहाँ पर बज करते हुए बज मतलब भिन भिनाते हुए जैसे उसकी आवाज़ होती है मक्खी की एंड सेट ऑन हिज मास्टर्स फेस और उसके मास्टर के फेस पर वो बैठ जाती है द मंकी वॉज एंग्री मंकी को गुस्सा आ जाता है ही ब्लू फैन विग्रसली वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से विगरेसली मतलब जोर जोर से वो उसको फैन करने लगता है फ़ैन को ब्लू पंख को करने लगता है टू गेट रिड ऑफ़ द फ्लाई ताकि वो गेट रिड हो ना मतलब पीछा छुड़ा सके उस फ्लाई से व्हेन द फ्लाई केम द थर्ड टाइम तीसरी बार भी जब वो फ्लाई आ जाती है द मंकी बॉट अ बिग स्टोन वो एक बड़ा सा पत्थर लेके आता है एंड स्मैश द फ्लाई ऑन द नोज ऑफ हिज मास्टर और उसको स्मैश करने के लिए अपने मास्टर की नोज पे मारता है उसको उसको लगता है कि शायद ये फ्लाई को लगेगा और वो मर जाएगी लेकिन वो एक्चुअली में आप जानते हैं मक्खी को आप मारते हैं तो वो बहुत जल्दी उड़ जाती है बट दिस टाइम द मास्टर्स फेस वॉज क्रश्ड लेकिन इस बार उसने सोचा था कि फ्लाई को स्मैश करेगा वो जोर से मारेगा पत्थर लेकिन इस बार उसके मास्टर का जो फेस था वो पूरा क्रश हो जाता है बिल्कुल चूर चूर हो जाता है शायद बहुत बड़ा पत्थर लगता है फेंक के मारा होगा उसने देयर फोर अ मंकी इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ मैन इसलिए कहा जाता है कि मंकी जो है वो मैन का आदमी का सब्सटीट्यूट मैन की जगह आप उसको नहीं रख सकते हैं उसका एक ऑप्शन वो नहीं हो सकता है दोनों एक जैसे नहीं है चलिए पहला क्वेश्चन है डिड द मास्टर अप्रिशिएट एनी ऑफ ऑफिस सर्वेंट क्या मास्टर अपने किसी भी सर्वेंट को अप्रिशिएट करता है आंसर इज नो वॉट डिड द मास्टर शाउट मास्टर क्या चिल्लाता है जोर से तो मास्टर शाउट करता है गुड फॉर नथिंग फेलो सारे जो फेलोज हैं सारे जो लोग हैं सब बेकार है किसी काम के नहीं हैं वॉट डिड द मास्टर डू टू ऑल सर्वेंट मास्टर सभी सर्वेंट्स को क्या करता है वो सभी सर्वेंट को डिसमिस्ड कर देता है मास्टर डू की जगह डिसमिस लिख दीजिए डिसमिस्ड ऑल सर्वेंट्स वॉट डिड द मंकी ट्रेनर सेल टू द रिच मैन मंकी सेलर ट्रेनर जो है वो रिच मैन को क्या सेल करता है अ मंकी नेक्स्ट इज वॉट वर्क डिड द मंकी डू मंकी क्या काम करता है ऑल हाउस होल्ड वर्क हाउस होल्ड मतलब घर के तो सभी घर के काम जो है वो मंकी कर लेता है नेक्स्ट इज वॉट डिड द रिच मैन से टू हिमसेल्फ रिच मैन अपने आप से क्या कहता है उसने अपने आप से कहा था हाउ लकी आई एम यहाँ पर देखिए तो रिच मैन सेट टू हिमसेल्फ हाउ लकी आई एम द रिच मैन सेट टू हिम सेल्फ ये आपका ई का e क्वेश्चन आंसर हो जाएगा नेक्स्ट इज वॉट सॉरी एफ का नेक्स्ट इज वॉट वॉज मंकी आज टू डू वेन द मास्टर वॉज अस्लीप जब मास्टर स्लीप था तो मंकी को क्या करने के लिए कहा गया टू फैन हिम कि उसको क्या करे वो फैन करे पंखा झले नेक्स्ट इज वॉट डिड द मंकी डू टू गेट रीड ऑफ द फ्लाई मंकी ने फ्लाई को गेट रीड करने के लिए दूर करने के लिए क्या किया तो उसने एक पत्थर लिया और उसको स्मैश कर दिया ऑन द नोज ऑफ इज मास्टर सो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से तो शायद नहीं मिले आपको एग्जैक्ट द मंकी मंकी द सॉरी द सॉरी यहां पर है द मंग की द मंकी डू टू गेट रिड ऑफ द फ्लाई अच्छा ये पहले उसने क्या किया था वो पूछा हुआ है सो द मंकी की वीग्रसली उसने पहले फैन किया उसको फैंड वीग्रसली जी ओ आर ओ एस सॉरी आर ओ यू एस एल वाई ओके नेक्स्ट इज वॉट डिड द मंकी डू वेन द फ्लाई केम द थर्ड टाइम जब थर्ड टाइम भी वाई तो उसने क्या किया मंकी ने सो द मंकी स्मैश्ड अ स्टोन उसने जोर से जो है स्मैश किया पत्थर फेंका स्मैश द स्टोन एट हिज मास्टर्स नोज अपने मास्टर की नाक पर जहाँ पर की मक्खी बैठी हुई थी अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मोरल ऑफ द स्टोरी इस कहानी से क्या सीख मिलती है तो इस कहानी से हमें सीख मिली द मंकी जो आपको लास्ट में भी दी हुई है कैन अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैन ये एज इट इज़ यहाँ पर लिख दीजिएगा अ मंकी इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ मैन वो उसका जो काम आदमी कर सकता है वो मंकी नहीं कर सकता उतना सूझबूझ उनमें नहीं होती है चलिए अब आपके आते हैं राइटिंग आपके बुक के क्वेश्चन आंसर्स नेम हु ट्राइड टू मूव हु ट्राइड द काउ मूव ये क्वेश्चन द मिल्क मैन स्काओ का है किसने ट्राई किया था सो सबसे पहले द मिल्क मैन पहले तो वही कोशिश कर रहा था मिल्क मैन सेकेंड एक सेकेंड द पुलिस मैन ग्रॉसर उसके बाद आता है ग्रॉसरी लेके ग्रॉसर देन रेस्लर एंड फाइनली सॉरी आइसक्रीम मैन आल्सो आइसक्रीम मैन एंड फाइनली बॉय एंड अ बॉय सब ने कोशिश की गाय को उठाने के और बॉय जो है वो सक्सेसफुल हुआ था नेक्स्ट इज़ हु केम टू अकबर्स कोर्ट अकबर के कोर्ट में कौन आया था सो अ लर्न पंडित एक बहुत ही विद्वान पढ़ा लिखा पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट नेक्स्ट इज वेयर डिड दे गो टू बाई बुक्स जो बच्चे थे वो बुक्स खरीदने के लिए कहाँ गए टू अ स्मॉल शॉप वो एक छोटी सी दुकान पर गए थे बुक शॉप में बुक को ख़रीदने के लिए पहले वो सोच रहे थे बड़ी शॉप में जाए या छोटी में फिर छोटी में गए वेयर डिड द नॉटी बॉय गो नोटी बॉय जो है आपका नोटी बॉय पोएम है ये स्कॉटलैंड गया था तो इसका आंसर आप लिखेंगे द नोटी बॉय वेंट टू द स्कॉटलैंड एक सेकेंड स्कॉटलैंड अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड पिनोक्यो से इन द एंड लास्ट में जो वो सेंटेंस बोलता है तो आप लिखेंगे इन द एंड पिनोकियो सेड लास्ट में पिनोक्यो कहता है आई एम ग्लैड मैं बहुत खुश हूं टू बी अ रियल बॉय कि मैं एक असली का बॉय हूँ सिर्फ पॉपेट नहीं हूँ एंड उसके बाद वो कहता है आई विल नेवर लाई अगेन मैं इसके बाद कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि तो जब भी वो झूठ बोलता है उसकी नोज जो है वो बड़ी हो जाती है अगला क्वेश्चन है अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वॉट इज वाई इज़ द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री ये चैप्टर का ही नाम है आपका तो इसका नाम गिविंग ट्री क्यों रखा गया है सो द आंसर इज़ बिकॉज क्योंकि आप यहाँ से लिखेंगे द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज रीजन ये है द ट्री ऑलवेज गिव ट्री हमेशा देता था ऑलवेज गिव अवेज समथिंग कुछ ना कुछ वो देता ही रहता था उस बच्चे को कभी फ्रूट्स कभी अपनी लकड़ी समथिंग टू मेक द बॉय हैप्पी वो चाहता था कि वो खुश रहे हमेशा सो द प्लेस कॉल्ड द गिविंग ट्री क्योंकि हमेशा देता था गिव अवे करता था दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द गिविंग ट्री वॉट सीक्रेट डिड हिवाथा लर्न फ्रॉम लर्न अबाउट बीस्ट्स बीस्ट के बारे में जानवरों के बारे में हिवाथा ने कौन से सीक्रेट जाने सो हिवाथा लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम बीस्ट ही लर्न देअर नेम्स लर्न देअर नेम्स उनके नाम उसके बाद हाउ बीवर्स अलग अलग बीस्ट का उन्होंने बताया हुआ है हाउ बीवर्स बिल्ट देयर नेस्ट वो अपना नेस्ट कैसे बनाती है देअर लॉजिज सॉरी लॉजस बीस सॉरी बीवर्स अपने लॉजेस कैसे बनाती है हाउस हाइड हिड अकॉन वो अकॉन को कैसे हाइड करती है हाउ रेनडियर रन स्विफ्टली रेनडियर जो है वो कैसे दौड़ता है इतनी स्विफ्टली इतनी आसानी से एंड वाई रैबिट इज सो टिमिड आप जितने भी इसमें लर्न कर पाए ये कुछ अलग अलग बीस्ट के बारे में यहाँ पे जानवरों के बारे में दिया हुआ है वाई रैबिट वॉज सो टिमिड इतना डर, डरा हुआ इतनी जल्दी डरने वाला इतना डरपोक रैबिट क्यों होता है ओके okay? तो ये चीजें उसने सीखी थी सीक्रेट उसने सीखे थे टू मार्क्स का क्वेश्चन आप दो भी पॉइंट्स लिख देंगे तो भी यू विल गेट टू मार्क्स नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट द वाटरिंग टाइम से ये है कि कब आपको प्लांट को वाटर करना चाहिए सो so, दो टाइम आपको दिए हुए हैं अर्ली इन द मॉर्निंग एंड evening okay our best time to water the plant uh, next is what did the boy wonder about scotland so the boy wondered the boy wondered that everything is the same everything is same in scotland scotland may sabhi cheese jo thi wo bilkul same thi एज इन इंग्लैंड जैसे कि वो इंग्लैंड में थी कुछ चीज़ों का आप चाहे तो जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं कि ही वंडर्ड अबाउट द हार्ड ग्राउंड लॉन्ग यार्ड्स रेड चेरीज हैवी लेड्स एंड ऑल तो वैसे वो वंडर ये करा था कि सभी चीज़ें बिल्कुल ही सेम है जैसा कि उसने इंग्लैंड में देखी थी नेक्स्ट इज वॉट डिड द बॉय सॉरी दिस इज डन वाई डिड द चाइल्ड इन द पोएम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स सो द आंसर विल बी द चाइल्ड इन द पोएम लाइक लुकिंग एट दिक्चर्स बिकॉज क्योंकि दे टोल्ड हिम स्टोरीज वो उनको क्या कर रही थी उसको कहानियां सुना रही थी चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट ग्रामर का ग्रामर के कुछ क्वेश्चन है डैश एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टू डैश ट्री आपको आर्टिकल भरना है तो यहाँ पर एन आएगा आर्टिकल्स आप जानते हैं तीन होते हैं आपके ए एन और द क्योंकि ये e से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर an होगा an elephant was standing next to a tree एक पेड़ के आगे नेक्स्ट जो है एक एलिफेंट खड़ा हुआ था चेंज द जेंडर प्रीस्ट ये थोड़ा सा न्यू है आई डोंट थिंक शायद मैंने कराया भी नहीं हुआ इसका हो जाएगा priestess p r i e s t e डबल है जैसे वेटर वेट्रेस होता है ऐसे priestess god goddess डबल d, d e डबल s, -S. नेम द पंक्चुएशन मार्क इन द गि सेंटेंस में जो ये दिया हुआ है इस पंक्चुएशन मार्क को क्या कहते हैं इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क जब आपको कोई वंडरफुल चीज होती है कोई आपका वाव है ऐसे है ना अलास कोई ऐसा साउंड uh, निकलती है से उसके बाद जो लगता है इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं नेक्स्ट इज राइट डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ द गिवन वर्ड क्लेवर इसका क्लेवरर क्लेवरेस्ट भी हो सकता है आर ई एस टी या फिर आप इसका मोर क्लेवर एंड मोस्ट क्लेवर भी लिख सकते हैं दोनों ही क्लेवर सॉरी सी एल ई वी ई आर दोनों ही सही माने जाएंगे मोस्ट क्लेवर जैसे ब्यूटीफुल का होता है ना मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल लेकिन ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोल सकते आप ऑल दो बिग बिगर बिगेस्ट तो क्लेवर में ये अच्छा है कि आप क्लेवरर क्लेवरेस्ट या फिर मोर क्लेवर मोस्ट क्लेवर दोनों ही सही है नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद कलेक्टिव नाउन अ डैश ऑफ स्टार्स स्टार्स का जो ग्रुप है उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं सी ओ एन एस टी डबलेशन ऑफ स्टार्स डैश ऑफ रॉबर्स रॉबर्स होते हैं चोर डाकू तो उनका एक गैंग होता है सो अ गैंग ऑफ रॉबर्स ओके नेक्स्ट इज राइट प्लूरल नाइफ नाइफ जब भी कोई चीज एफ ई -E से एंड हो तो आप जानते हैं उसमें ई एस -E लगता है नाइफ माउस माउस का होता है माइस ये डिफरेंट है देखिए आपको ऐसा नहीं दिया कि विंडो विंडोज़ चेयर चेयर्स एस या ई एस आप लगा देंगे ये अलग जिनके रूल चलते हैं और माउस तो बिल्कुल डिफरेंट ही है जैसे टूथ टीथ ऐसे हो जाते हैं माउस का माइस होता है कई बार बच्चे इसका माउसेज लिख देते हैं तो वो बिल्कुल गलत माना जाएगा एड ई आर और आर फाइट ये तो मैं अभी रिसेंटली लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको कराया ई आर लगेगा लेकिन अगर पहले से ई है तो फिर उसमें सिर्फ आर लगेगा जगलर मेक टू वर्ड्स फ्रॉम द गि वर्ड इससे कोई यूज करके आपको दो वर्ड्स बनाने हैं तो ब्लैंकेट है तो ब्लैंक तो ही बन जाएगा ब्लैंक मतलब बिल्कुल खाली और एक ब्लैंक लिख दीजिए बी एल बट सी नहीं है इसमें एंकल बन सकता है लेकिन ए एन के एल ई एंकल चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक ऑपोजिट बाई एडिंग डिस बिफोर द वर्ड्स एफिशियंट एफिशियंट का होता है इन एफिशियंट नेक्स्ट इज एबल एबल का होगा है द नेशनलिटी ऑफ जापान के जो लोग हैं उनकी क्या नेशनलिटी होती है उनको बोलते हैं हैं के जो लोग वो होते हैं एंड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इनके पीछे आपको कौन सी चीज लगा के आप नया वर्ड बना सकते हैं स्टूपिड स्टूपिडिटी एक वर्ड होता है स्टूपिडनेस या स्टूपिटी कुछ नहीं होता स्टूपी एस टी यू एक सेकेंड सॉरी एस टी यू पी आई डी आई टीवाई स्टूपिडिटी स्विफ्ट स्विफ्टली टी एल सॉरी एल वाई तो है ही नहीं है तो टी वाई है स्विफ्टली में फिर स्विफ्टनेस आप बनाइएस्यू आई एफ टी एन ईडल एस -E क्योंकि स्विफ्टी और स्विफ्टी कोई वर्ड नहीं होता स्विफ्टनेस आगे आते हैं राइट द मीनिंग ऑफ राइट द मीनिंग कंप्लीट कंप्लीट का मीनिंग हो सकता है फुल एंटायर जो भी आप लिखना चाहे फुल मेकअप योर माइंड माइंड मेकअप करना मतलब होता है डिसाइड करना सो मेकअप योर माइंड मतलब टू डिसाइड समथिंग नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक आर डैश इज अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर ऑफ हॉस्पिटल वो जगह है जहां पर कि सिक लोगों की देखभाल की जाती है डैश इज अ प्लेस वेयर यू कैन बाय थिंग्स कौन सी वो जगह है जहां पर कि आप चीजें खरीद सकते हैं ये है मार्केट नेक्स्ट इज ट्री हैजन ट्रंक या ट्रंक्स तो यहां पर सिंगलर आएगा क्योंकि एक ही है ट्रंक एक ट्रंक होता है बट मैनी लेकिन बहुत सारी क्या होती है ब्रांचेस प्लूरल होगा राइट सिंपल पास का सिंपल पास होता है आप क्रिएटिव राइटिंग पर आते हैं राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर सेंडिंग सम मनी फॉर पिकनिक आपको आपके फादर को लेटर लिखना है उनको पिकनिक के लिए कुछ पैसा मांगने के लिए सबसे पहले जो लेटर आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऊपर एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर आप लेटर, लेटर सेंड करना चाह रहे हैं जो भी प्लेस है डी वन वन टू जहाँ भी सपोज करिए सरोजनी नगर ओके उसके बाद नीचे कहाँ पर है मुंबई नवी मुंबई जो भी है फिर उसके बाद आप पिन कोड लिखेंगे वहाँ का जो भी होगा सिक्स डिजिट्स का नीचे जगह लिखेंगे उसके बाद डेट ज़रूर लिखेंगे ट्वेंटी जनवरी मान लीजिए टू बस इतना ही लिखना होता है आपको जो आप अपने रिलेटिव को लेटर लिखते हैं फिर माई डियर फादर या फिर डियरेस्ट पापा जो भी आप बोलते हैं सबसे पहले हालचाल पूछेंगे हाउ आर यू आप कैसे हैं और फिर अपना बताएंगे आई एम फाइन हेयर ये कुछ दो चार चीजें जो आप ध्यान रखेंगे लेटर अपने आप ही ऑटोमेटिकली बड़ा भी हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं इंप्रेशन भी अच्छा जाता है इतना हो गया अब उनको इन्फॉर्म करिए जो आप बताना चाहते हैं आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट माई स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एक सेकेंड दैट माई स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप टू कहाँ पर ट्रिप जा रही है वो भी बताएंगे अ ट्रिप टू सपोज करिए जयपुर आप जा रहे हैं ट्रिप टू जयपुर इट इज इट इज एन एन एजुकेशनल ट्रिप ये एक एजुकेशनल ट्रिप है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी और अगर आप लेटर में जितना कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं आप वहाँ पे क्या क्या देखेंगे सम आर uh, मेनी थिंग्स लाइक हवा महल एंड ऑल तो वो सब आप लिख देंगे उसके बाद सीधा आप अपने काम पर भी आ सकते हैं द ट्रिप फीस इज़ फीस कितनी है द ट्रिप फ़ीस इज़ रुपीज़ सपोज करिए टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड है सो इंक्लूडिंग बॉर्डिंग एंड लॉजिंग जो भी है और कौन कौन जा रहा है माई ऑल फ्रेंड्स आर गोइंग माई ऑल फ्रेंड्स एंड टीचर्स फ्रेंड्स एंड टीचर्स आर गोइंग विद अर्स ताकि पेरेंट्स थोड़े से आपके आपकी सिक्योरिटी को लेके चिंतित ना रहे आर गोइंग विद अस हमारे साथ जा रहे हैं काइंडली अलाउ मी उसके बाद लास्ट में आप आ, लिखेंगे काइंडली अलाउ मी अलाउ मी टू गो फॉर ट्रिप ट्रिप पे जाने के लिए मुझे अनुमति दीजिए वो भी मांगने सीधा पैसे ही नहीं मांग लेने हैं एंड प्लीज सेंड मी ट्रिप फीस सेंड मी ट्रिप फीस ओके योर लविंग सन नीचे आप अपना नाम लिखेंगे उसके बाद ओके सन योर डॉटर वॉट एवर ओके सो होपफुली पता लग गया होगा आपको किस तरीके से लिखना है पहले स्टार्टिंग में हालचाल पूछेंगे उसके बाद बताएंगे उस टॉपिक के बारे में फिर आ, फीस बताएंगे फिर थोड़ा सा एश्योरेंस देंगे कि आप वहाँ पर सेफ रहेंगे और उसके बाद लास्ट में यू विल आस्क फॉर मनी नेक्स्ट इज राइट अ पैराग्राफ ऑन बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड है इसके बारे में आपको कुछ लाइन्स लिखनी है बुक्स के एक तरीके से अगर आपको पैराग्राफ uh, लिखना है फाइव टू सिक्स लाइन का आप लिखेंगे क्योंकि पांच आपके मार्क का एक क्वेश्चन होता है तो थोड़े से यूजेज आप लिख दीजिए बुक्स किस लिए आप किस तरीके से आपके लिए यूजफुल है तो सबसे पहले बुक्स मेक आस इंटेलिजेंट बाई प्रोवाइडिंग अब मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ ये आप खुद इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा बुक्स मेक आर्ट्स इंटेलिजेंट हमें इंटेलिजेंट बनाती है बाय प्रोवाइडिंग वेरियस नॉलेज एंड इम्प्रूव आर इंटेलेक्ट आपको बहुत सारी नॉलेज देती है और आपका इंटेलेक्ट को इंप्रूव करती है सेकेंड बुक्स इंप्रूव आर मेमरी आपकी मेमरी इंप्रूव होती है जब आप बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो याद रह जाती है मेमरी बुक्स इंप्रूव आर वोकेबलेरी आपकी वोकेबलरी बढ़ती है जब आप बोलेंगे भी वोकेबलेरी तो फिर वो वो जो वर्ड्स जो आपने बुक्स में पढ़े हैं वो आप अपने बोलचाल में भी लाएंगे नेक्स्ट इज वी लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्राम बुक्स डिफरेंट लैंग्वेज फ्राम बुक आप अलग अलग लैंग्वेज सीख सकते हैं बुक्स से फ्राम बुक्स सो बुक्स आपको स्मार्टर बना रही है आपकी मेमोरी इंप्रूव कर रही है वोकेबुलरीर बढ़ा रही है आपको लैंग्वेज सिखा रही है ये सब काम कौन करता है तो आपकी यानी कि बुक्स जो है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स है उसके बाद दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस जैसे आपके फ्रेंड्स हमेशा रहते हैं आप कभी भी बोर हो रहे हैं देयर फोर कॉमिक्स पढ़ लीजिए एक स्टोरी बुक्स पढ़ लीजिए हमेशा आपके साथ वहां पर रहती है दे मेक अस अ बेटर पर्सन मेक अस आपको एक अच्छा इंसान एक बेटर पर्सन बनाती है बुक्स एंड uh, और दे ट्रैवल अस लिख सकते हैं दे ट्रैवल विद अस वो आपके साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं आप कहीं पे जा रहे हैं अगर बोर हो गए हैं रास्ते में तो आप बुक्स को पढ़ सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेइंग मोबाइल गेम्स तो ये कुछ चीज़ें आप लिख देंगे और लास्ट में लिखेंगे सो बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड इसलिए बुक्स जो है हमारी सबसे अच्छी दोस्त है बेस्ट फ्रेंड्स पॉइंट्स मैंने बता दें इनको पैराग्राफ में आप खुद बना लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन है राइट फाइव लाइन्स ऑन द गिवन पिक्चर इस पिक्चर के बारे में पाँच लाइन्स लिखिए पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है लेकिन जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है आई थिंक रॉबर्ट्स हैं ये कोई सबसे पहले क्या आपको दिखाई दे रहा है वो लिख दीजिए वी कैन सी अ कार अ कार इन द पिक्चर पिक्चर में एक कार दिख रही है टू रॉबर्ट्स आर देयर दो रॉबर्ट्स हैं वहां पर दे आर ट्राइंग टू दे आर दे हैव बैग्स इन देयर हैंड्स उनके हाथों में बैग्स हैं बैग्स इन their हैंड hand. hands they are रनिंग ऑन स्ट्रीट वो दौड़ रहे हैं शायद से चोरी करके दौड़ रहे हैं रनिंग ऑन the स्ट्रीट ऑन the स्ट्रीट they are trying टू स्टॉप trying टू स्टॉप द मूविंग कार शायद से मूविंग कार को रोककर उसमें चढ़ के वो दौड़ के जल्दी कहीं जाना चाहते हैं स्केप करना चाहते हैं ट्राइंग टू स्टॉप द मूविंग कार ंग कार और यहां पर हो सकता है पुलिस वैन हो अब पुलिस वैन इज आफ्टर तो ये आप, आपको पिक्चर में दिखाई दे उसके बुक्स में आप कहाँ पे जाएंगे बुक्स को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी लाइब्रेरी की सही स्पेलिंग क्या है आर वाई इन इट वॉज वंडरफुल बुक गैलोर गैलोर मतलब पूरा बंडल्स बहुत सारी बुक्स यहां पर हो एंड डैश इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन एक बहुत अच्छा है आप बैठ के जिसके ऊपर रेस्ट कर सकते हैं दैट इज स्टम्प शी ड्रोव हिम थ्रू द वो उसको ड्राइव कर करके लेके जाती है किसके बीच में से मायर के बीच से मायर मतलब होता है कीचड़ नेक्स्ट इज द लेडी डैश द पोनी लेडी ने क्या किया पोनी को विप किया था उसको मारा था वाइप करना मतलब तो पहुंचना होता है नेक्स्ट सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग वंडरफुल की करेक्ट स्पेलिंग है फर्स्ट डिसाइड डी ई सी आई डी ई पॉपेट पी यू डबल पी ई टी फोर स्कोर एफ यू एफ ओ यू आर फोर एंड स्कोर हैप्पीली एच ए डबल पी आई एल वाई ओके तो ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग्स हैं एंड लास्ट में आपकी हैंड राइटिंग है जो कि आपको साफ साफ नीचे लिखनी है जैसी आपकी हैंडराइटिंग होगी आउट ऑफ फाइव आपको वैसे ही मार्क्स मिलेंगे सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था आपका पेपर होपफुली थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज टू कम